हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि रोड कैसे बनती है। आई होप आपको पसंद आएगा। ये काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये अभी बुलडोज़र चल रहा है यहाँ पे सारा प्रीमिक्स वगैरह डाल दिया है। नहीं पता। और देखिए अभी डंपर से प्रीमिक्स डाला जा रहा है। ये सामने जो पेवमेंट वाली मशीन है, ये डायरेक्ट प्लांट से हॉट मिक्स बन के आता है और अभी इसमें डाला जा रहा है और इसके बाद रोड पे बिछाई जाएगी पूरी। और आगे देखिए रोड को तैयार कर दिया है पूरा। और ये थोड़ा बहुत जहाँ पे थोड़ा बहुत बच गया है वहाँ पर डाला जा रहा है। काफ़ी मेहनत करते हैं और इससे बहुत गर्म निकलता है धुआं यार। ये इस वाली मशीन को क्या बोलते हैं? रोलर, वाइब्रेटर। अच्छा, ये वाइब्रेटर है। तो इसका जो काम रहता है वो रोड को लेवल पे लेके आना, बिल्कुल है ना। और ये पूरा सेट कर देता है। ये रोड रोलर है, बुलडोजर भी बोलते हैं इसको। ये देखो। अच्छा, तो ये वाइब्रेटर है और ये चलता है। ये वाली जो मशीन है ये पेपर है, ये हॉट मिक्स को डालता है रोड पे, उसके बाद ये वाइब्रेट करके उसको सेटल डाउन करता है। तो उसके बाद वो रोलर चलता है जो पीछे देख रहे हैं आप। और जैसे सर बता रहे हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर दो वाटर टैंक्स हैं, ठीक है, जो पानी गिर रहा है इसके ऊपर टायर्स के ऊपर। लोहे के टायर है ना सर? लोहे के हैं ना। अच्छा, तो पानी इसलिए रखते ताकि ये जो हॉट मिक्स है चिपके ना इसके ऊपर। अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है फर्स्ट क्लास। हाँ, पेपर मशीन और काफ़ी हैवी ड्यूटी रहती है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो चेन्स हैं वो देखिए कितने मोटे हैं, बहुत ही मोटे मोटे चेन्स हैं इसके। और देखिए हमारी ये पुरानी बुलडोज़र में देखिए पीछे बाल्टी लगी हुई है। ये सिर्फ इसीलिए लगी है ताकि इसके टायर्स पे भी पानी डाला जा सके। ये मैन्युअली पानी डाला जाता है और जैसे ये हाइड्रोलिक वाले में तो वाटर टैंक्स लगे होते हैं, तो अपने यहाँ भी गिरते रहते हैं ऑटोमेटिकली। हो रखी है वहाँ पे, ये वाइट पाउडर डाला जा रहा थी। ये देखिए वाइट पाउडर डाल रखा है यहाँ पे, तो ये शायद इसीलिए डाला गया क्योंकि ताकि ये जो हॉट मिक्स है ये गाड़ियों में चिपके ना।
और ये कब गाड़ियों के लिए खोली जाती है ये तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, शायद जल्द ही ये गाड़ियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए बंद है क्योंकि रोड का काम अभी चल रहा है यहाँ पे फिलहाल।